अभी ये ऑन हो गया है टेलर आइसर का प्रो 60-55 XP, अभी ये ऑन हो गया है। आप इसके इंजन की साउंड को सुन सकते हैं, 7.7 लीटर के डीजल इंजन की साउंड को, 430 mm का आपको क्लच का डायमीटर मिलता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और आज मैं आया हूँ आइसर के ट्रक एंड बस के शोरूम में और अभी मैं खड़ा हूँ उनके स्टॉक यार्ड में। मैंने बहुत से टेलरों की मेरे चैनल पर आपको वीडियो बना के दिखाई है, मतलब घोड़ों की, जैसे कि अशोक लैंड की, अभी हाल ही मैंने टाटा के 5530 की मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है टेलर की। तो अभी मैं आया हूँ आइसर के शोरूम पे और मां सामने खड़ा है आइसर का प्रो 60-55 XP टेलर, जो कि इनका 10 चकों का टेलर है। आप चाहे तो इसको 6 चकों में भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको 10 चकों में भी ले सकते हैं। मां सामने ये OBD2 के साथ में, मतलब 2023 का ब्रांड न्यू BS6 फेज 2 मॉडल खड़ा हुआ है आइसर प्रो 60-55 XP। आज मैं आपको इस वीडियो में इस टेलर की पूरी डिटेल दूंगा, इसके इंजन, इसके इंटीरियर, इसके एक्सटीरियर और आइसर आपको प्रो 60-55 XP में आपको क्या क्या फीचर देता है वो सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए, और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं इस शोरूम की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आज मैं आपको प्रो 60-55 XP की पूरी डिटेल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके मैं आपको इस टेलर की पूरी डिटेल देता हूं। इसमें आपको कुछ इस टाइप की चाबियां मिलेगी, जिसमें आपको इस टेलर की चाबी दी गई है, डीजल टैंक की चाबी और आपको AdBlue के टैंक की चाबियां मिलेगी। और मैं आपको सबसे पहले इसकी फ्रंट की लुक ही दिखा देता हूं। इसमें आपको फ्रंट में कुछ इस टाइप की लुक दी गई है, ऐसी आपको फ्रंट की लुक मिलेगी, ऐसी आपको फ्रंट की लुक दी गई है आइसर प्रो 60-55 XP की। व्हाइट कलर में हमारे सामने ये टेलर खड़ा हुआ है। इसमें आपको फ्रंट में काफ़ी एरोडायनामिक लुक दी गई है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी विंडशील्ड दी गई है और विंडशील्ड का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी एरोडायनामिक आपको विंडशील्ड का डिज़ाइन दिया गया है, जो कि हवा को आसानी से काट सके और माइलेज में भी काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल सके। और फ्रंट की शेप भी काफ़ी एरोडायनामिक दी गई है। और यहाँ पर आपको प्रो 60-55 XP की ब्रांडिंग मिलेगी, क्रोम में आपको मॉडल की ब्रांडिंग दी गई है और काफ़ी बड़ी आपको विंडशील्ड मिल जाती है और उसको आपको क्लीन करने के लिए तीन आपको वाइपर मिलते हैं। नॉर्मल टेलरों में आपने देखा होगा 2 वाइपर मिलते हैं, लेकिन आइसर आपको 3 वाइपर दे रहा है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि विंडशील्ड का क्लीन होना भी काफ़ी ज़रूरी है। लंबे लंबे रूटों में ड्राइवर इसको चलाते हैं तो इसका क्लीन होना भी ज़रूरी है, मतलब विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहे। और यहाँ पे आपको विजिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छे मिरर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े आउटसाइड मिरर दिए गए हैं और यहाँ पे भी आपको एक मिरर दिया गया है जो कि इसके पूरे नीचे का दिखाता है। अगर ड्राइवर इसको चला रहा है तो पूरे नीचे की आपको ड्राइवर को लुक देता है कि नीचे कुछ चीज़ तो नहीं खड़ी हुई है। और यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े बड़े वाइपर मिल जाते हैं, विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए 3 आपको वाइपर मिलते हैं। अगर हाथ से ड्राइवर इसको क्लीन करना चाहे विंडशील को, तो यहाँ से पकड़कर ऊपर चढ़कर हाथ से भी कर सकता है। और यहाँ पे आपको आइसर का लोगो मिलेगा, क्रोम में आपको आइसर का लोगो दिया गया है, उसके नीचे आपको आइसर की ब्रांडिंग मिलेगी, वो भी आपको क्रोम में दी गई है। और यहाँ पे आपको वाइट कलर में पूरा बम्पर मिलेगा और पूरा आपको लोहे का बम्पर दिया गया है, कहीं पर भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं है अगर आप देखेंगे तो। और नीचे भी आपको सेफ्टी के लिए एक बम्पर मिल जाता है ब्लैक कलर में, यहाँ पर एक बम्पर दिया गया है जिससे कि छोटी गाड़ी से एक्सीडेंट हो तो वो गाड़ी इसके नीचे नहीं जाए। और उसी के साथ में आपको यहाँ पे एक पो भी मिल जाता है, बाई चांस गाड़ी फंस जाए या फिर और भी कोई गाड़ी फंस जाए और इससे निकालनी हो तो यहाँ पे आपको हुक भी दिया गया है। और यहाँ पे इसमें रेडियो तो दिया हुआ है। आगे मैं इसके इंजन पर भी आऊँगा और इसके इंजन की भी पूरी डिटेल दूंगा, आइसर इस पर आपको कितने साल की और कितने लाख किलोमीटर की वारंटी देता है वो सब डिटेल मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। साइड की लुक की बात करें तो ऐसी आपको साइड की लुक मिलेगी, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े आउटसाइड मिरर मिलेंगे। और यहाँ पे आपको 300 की ब्रांडिंग दी गई है, 300 मतलब 300 HP का इसमें आपको इंजन मिलता है। और यहाँ पे आपको आइसर की ब्रांडिंग मिलेगी जो कि स्टिकर में दी गई है। और यहाँ पे आपको एम बूस्टर प्लस की ब्रांडिंग मिलेगी और ब्लैक कलर में आपको आउटसाइड डोर हैंडल दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको येल्लो कलर में पूरी पट्टी दी गई है, जो कि रात में ट्रेलर कहीं खड़ा हुआ है तो दूर से ही इस पर लाइट पड़े तो ये रिफ्लेक्ट हो, इसलिए ये दिए गए हैं। अगर टायर की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बड़े बड़े टायर मिल जाते हैं अगर आप देखेंगे तो। अगर मैं इसकी प्रोफाइल को दिखाऊं तो इसमें आपको 295/90 आर 20 इंच का आपको टायर दिए गए हैं। इसके ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो 55,000 kg इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है इस टेलर का। और यहाँ पर आपको 350 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है
काफ़ी बड़ा आपको एक्चुअल में डीजल का टैंक मिल जाता है 350 लीटर का। उस पर भी आपको ब्रांडिंग दी गई है आइसर की, यहाँ पे आपको डीजल टैंक मिलेगा। और एयर ब्लू की बात करें तो आपको उस साइड में दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको ये सिस्टम दिया गया है ATS का, और यहाँ पे इसमें इंजन लगा हुआ है। इसमें आपको 7.7 लीटर का मतलब 7,700 cc का 6 सिलेंडर का डीजल इंजन दिया गया है, जो कि आपको देता है 300 HP की पावर और 1000 Nm का टॉर्क। काफ़ी पावरफुल ये इंजन है। और 430 mm का आपको क्लच का डायमीटर मिलता है। और वारंटी की बात करें तो चार साल की आइसर इसमें आपको वारंटी देता है। काफ़ी पावरफुल ये इंजन है। और माइलेज की बात करें तो आइसर की मेन खूबी तो यही है कि ये अपनी माइलेज और परफॉर्मेंस की वजह से ही जाना जाता है। ये इंजन आसानी से दबता नहीं है और 3 की माइलेज तो आपको आसानी से निकाल कर दे ही देता है। मैंने टाटा के 5530 की वीडियो बनाई थी घोड़े की, वो भी आपको 2.25 से 3.25 से माइलेज देता है, लेकिन आइसर आपको 3 की माइलेज तो देता ही है। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील दिया गया है और अभी ये 10 चक्कों में खड़ा हुआ है। और दोनों एक्सल वर्किंग में अगर आप देखेंगे तो नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों एक्सल आपको वर्किंग में दिए गए हैं फ्रंट एंड रियर के 6x4 ये है। और यहाँ पे आपको काफ़ी मजबूत पत्तियाँ मिल जाती है और ये इसकी चेसिस काफ़ी मजबूत इसमें आपको चेसिस मिलती है। अगर मैं रियर से इसको दिखाऊँ तो ऐसी आपको रियर से लुक मिलेगी। यहाँ पे आपको LED में टेल लैम्प दी गई है, यहाँ पे आपको प्रॉपर LED में टेल लैम्प मिलती है। और ये है नीचे का एक्सल, काफ़ी बड़े बड़े आपको टायर मिलते हैं। और इस साइड में आपको यहाँ पे आपको AdBlue का टैंक दिया गया है। 2 बैटरी आपको यहाँ पे दी गई है 12-12 वॉट की। उन बैटरियों के ऊपर आपको एक कवर मिल जाता है, काफ़ी मजबूत आपको कवर दिया गया है जिससे बैटरी को कोई भी दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पे आपको नीचे ब्रेक के गैस के सिलेंडर दिए गए हैं यहाँ पे नीचे। और ये है इसकी नीचे की चेसिस, दोनों एक्सल वर्किंग की है इसकी। अभी मैं अंदर से इसकी लुक को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपर 7.7 लीटर का 6 सिलेंडर का इंजन मिलता है, डीजल इंजन। काफ़ी पावरफुल ये इंजन है जो कि आसानी से कहीं पे भी दबता नहीं है और काफ़ी अच्छी पावर देता है। अभी मैं आपको इसके कैबिन को दिखा देता हूँ। स्लीपर कैबिन में हमारे सामने ये खड़ा हुआ है। ऐसा आप इसके डोर को अनलॉक करेंगे, अभी ये गाड़ी लॉक है। ऐसा आप इसको अनलॉक करके ऐसे इसको ओपन कर सकते हैं, दबाकर इसको आप ओपन करेंगे ड्राइवर साइड डोर को। यहाँ पे आपको मैनुअली विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं और यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी मिलेगी। मैनुअली आपको विंडो के कंट्रोल मिलेंगे और यहाँ पे आपको इसकी चेसिस नंबर वगैरह यहाँ पे लिखी होगी और थोड़ी सी यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। टायर के रिलेटेड भी आपको यहीं पर इन्फॉर्मेशन लिखी मिलेगी। और यहाँ पर आपको प्रॉपर फुट स्टेप मिलेंगे और नीचे वाला फुट स्टेप बम्पर में फिट किया गया, ये एक अच्छी बात है। बाकी आपको यहाँ पर केबिन में ये 2 फुट स्टेप मिलेंगे। अभी मैं आपको ऊपर से भी इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपर पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल दिए गए हैं ऊपर तक, ऐसे आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल मिलेंगे। अभी मैं अंदर से इसको दिखा देता हूँ। यह इसके केबिन की लुक, आइसर प्रो 6055 XP की 2023 का ब्रांड न्यू ये मॉडल है। इसमें आपको ऐसी स्टेयरिंग व्हील मिलती है, ब्लैक कलर में आपको स्टेयरिंग व्हील दी गई है और बीच में आपको आइसर का लोगो मिलेगा। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन शो होगी, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, टेम्परेचर का मीटर, फ्यूल का मीटर आपको दिया गया है और बीच में आपको काफ़ी बड़ी MID दी गई है और यहाँ पे आपको सभी इंफॉर्मेशन शो होगी। यहाँ से आप इसमें वाइपर चलाएंगे इस साइड से और इस साइड से आप इसमें हेडलैम्प को चलाएंगे। और यहाँ पर आपको पावर के, इको के, इको प्लस के आपको यहाँ पे बटन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बैटरी के कट का आपको स्विच मिल जाता है, हेडलाइट लेवल का आपको यहाँ पे स्विच मिलेगा। और ये इसके एसी के वेंट, ऐसे आपको एसी के वेंट मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको ABS की बटन दी गई है और यहाँ पे आपको एक्सल की बटन दी गई है अगर आप चलाना चाहते हैं दोनों एक्सल को, तो यहाँ पर आपको बटन मिलते हैं। 24 वॉट का आपको यहाँ पर सॉकेट मिल जाता है। और ये इसके एसी के कंट्रोल, मैनुअली आपको इसमें एसी दी गई है। इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, कस्टमर इसको लेने के बाद में बाहर से मनचा म्यूजिक सिस्टम लगा सकता है। और गियर की बात करें तो इसमें भी आपको 9 फॉरवर्ड के एंड 1 आपको रिवर्स का गियर दिया गया, मतलब 8 तो नॉर्मल हो गए एंड 1 आपको सी का मोड दिया गया है यहाँ पर, और 1 आपको रिवर्स का गियर मिलता है, मतलब टोटल ये 10 स्पीड का गियर बॉक्स हो गया। और ये इसका डैशबोर्ड लेंगे, 5 आपको टोटल एसी के वेंट मिलते हैं। और ये है मैनुअली IRVM,
यहाँ पे ऊपर आपको दो दो लाइट मिल जाती है, हेलोजन बेस आपको ऊपर लाइट दी गई है केबिन में, और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सन वाइजर मिल जाता है ड्राइवर के लिए, और बीच में आपको ऐसी स्पेस मिलती है ड्राइवर के साइड में, को ड्राइवर के लिए एक सीट दी गई है, और ये स्लीपर केबिन में है तो पीछे पूरा बेड लगा हुआ है, ड्राइवर इसको चलाने के बाद में यहाँ पर आराम भी कर सकता है। पीछे विंडो का एरिया दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर विंडो का एरिया मिलता है, और ये है साइड के मिरर, और वो मिरर मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पे साइड में दिया गया है, वो पूरा नीचे का दिखाता है ड्राइवर को, ये एक अच्छी बात है। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, यहाँ से आप इसमें 3 सेकंड इसको दबा के रखेंगे तो स्पीड इसकी सेट हो जाएगी, ये बात अच्छी है, और ऐसा आपको मीटर मिलता है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें, ये आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे, हाँ ये ऊपर हो गया, आगे भी जाता है पीछे भी आता है, और इसमें स्टीयरिंग व्हील को आप एडजस्ट कर सकते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपी वे में, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, इसको आप चाहे तो ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है, ड्राइवर अपने अकॉर्डिंग इसको स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकता है, ये बात अच्छी दी हुई है। और यहाँ पर आपको लोकेबल बीच में स्टोरेज मिलती है, ये एक अच्छी बात है। अभी मैं आपको इस ट्रेलर की इंजन की साउंड सुना देता हूँ, इसमें आपको इंजन की कैसी आपको साउंड मिलती है, आईसर के इस प्रो 655 XP की इंजन की साउंड, यह है अगेन फ्रंट की लुक, 4 साल की इसमें आपको वारंटी मिलती है, और 7.7 लीटर का आपको 6 सिलेंडर का डीजल इंजन दिया गया है, यह इसकी साइड की लुक। अभी यह ऑन हो गया है टेलर आईसर का प्रो 655 XP, अभी यह ऑन हो गया है, आप इसके इंजन की साउंड को सुन सकते हैं, 7.7 लीटर के डीजल इंजन की साउंड को, 430 mm का आपको क्लच का डायमीटर मिलता है, काफ़ी पावरफुल इसमें इंजन लगा हुआ है। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।